हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी। आज का टॉपिक आपके एपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग आज की स्लाइड्स में इसरो के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में हमेशा हम इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, मीन्स में स्पेशली। कभी 8 मार्क्स में या 2 मार्क्स में तो आ ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हाट इज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, व्हाट इज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, इस तरह से कुछ कुछ रिसेंट लॉन्चेस के ऊपर भी प्रीलिम्स में और मेंस में सवाल आ जाते हैं। तो मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। और आज की सेशन में हम लोग सिर्फ 2018 एंड 2019 के इम्पोर्टेंट इसरो लॉन्चेस के बारे में जानेंगे और उसकी कुछ टेक्निकलिटीज के ऊपर मैं वीडियोज और बनाऊंगा। जैसे कि जो भी मैं कवर कर सकता हूँ स्लाइड में, मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल, इसरो से रिलेटेड सैटेलाइट्स लॉन्चेस, जिसके लिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है। और इसकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट इसरो। इसरो का एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1959 में हुआ। इनके फाउंडर थे विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर जो है यहाँ का कर्नाटका बेंगलुरु में है। और जो हमारा इंडिया जो एवरी ईयर बजट बनाता है, उसका कम से कम $90 बिलियन का सिर्फ बजट है इसरो के। और ये डेटा है 2017 और 18 का। एवरी ईयर कभी इन्हें बढ़ाया भी जाता है, कभी घटाया भी जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इंडिया अपनी जीडीपी से बहुत बड़ा हिस्सा एक खर्च करती है इसरो के डेवलपमेंट के ऊपर। ऑलराइट, अब देखते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसरो के लिए। पहली बात है, इसरो जो सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है यानी प्लेनेट अर्थ से, उसके लिए व्हीकल्स इसरो के पास क्या क्या है और किन कैपेसिटी पे है। मैंने आपको इस स्लाइड पे एक वीडियो दे रखी है, एक पिक्चर दे रखी है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने इसरो के अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के पिक्चर्स और उनके नाम दे रखे हैं विद देयर कैरिंग कैपेसिटी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पेलोड एक SLV-3 का 40 केजी के आसपास है और GSLV-3 का 4000 किलोग्राम के आसपास। देखिए फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि लॉन्च व्हीकल का सिलेक्शन इसरो कैसे करता है। लॉन्च व्हीकल का सिलेक्शन इसरो उस सैटेलाइट के वेट और डिस्टेंस के ऊपर करता है कि मतलब उस सैटेलाइट का वेट कितना है और उस सैटेलाइट को हमें कितने डिस्टेंस में किस ऑर्बिट पे सेटल करना है। हम उस बेस पे इन लॉन्च व्हीकल्स का यूज करते हैं। अब जैसे जैसे हमारी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी सैटेलाइट को लेके, हमको समझ में आता जाएगा कि ये सैटेलाइट इसी व्हीकल से क्यों लॉन्च किया गया। और इसीलिए मैंने अपनी स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप बने रहिए, देखते रहिए। जैसे कि हमारा पहला चीज है कि टाइप्स ऑफ इसरो, टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स इन इसरो, कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स इसरो इस्तेमाल करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा भेजा था, जो अर्थ साइंस से रिलेटेड था, बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाला नहीं था। और आर्यभट्टा को एक्चुअली उस वक्त एक कम वेट वाला सैटेलाइट माना जाता था, जिसके लिए हमें बहुत हाई थ्रस्ट या पावर की जरूरत नहीं थी। इसीलिए हमारे पास हाई थ्रस्ट व्हीकल्स भी कम होते थे और लेस कैपेबिलिटी या एफिशिएंसी के होते थे। शुरुआती दिनों पे इंडिया की ग्रोइंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली स्पेस सेक्टर की, उन दिनों हमारे पास SLV और ASLV तरह के रॉकेट्स होते थे जो हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करते थे, वो भी लो और क्लोज ऑर्बिट्स के लिए स्पेस में। ऑलराइट, SLV और ASLV होता क्या है। SLV एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सिंपल, एक डिफरेंट कैपेसिटी और डिफरेंट पावर वाला। और जैसे कि मैंने आपको कह दिया, SLV जनरली हमारे कुछ ही लोएस्ट और अर्थ ऑर्बिट तक के लिए सैटेलाइट को ले जा सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी, थ्रस्ट कैपेसिटी कम होती है। और इसपे जो पेलोड मैक्सिमम दिया जा सकता है वो 40 केजी से ऊपर का पेलोड नहीं दिया जा सकता। इसमें जो है लिफ्टिंग पावर कम होती है, जिसकी वजह से ये लो अर्थ ऑर्बिट के लिए ही बना है। दूसरा, एक हमारे पास शुरुआती दिनों में, शुरुआती हमारे तकनीकी और डेवलपमेंट दिनों में,
हमारे पास ASLV जैसी तकनीक की लॉन्च व्हीकल थे जिसकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, थोड़ी बढ़ा दी गई है 150 किलोग्राम, जो पुराने दिनों में नहीं थी, 40 किलोग्राम की थी। इसका भी लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ही इसका कैपेसिटी रहता था और इससे आगे ये नहीं जा सकता। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं ऑर्बिटर ऑर्बिट्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ऑर्बिट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में हम पोलर ऑर्बिट्स कह सकते हैं, जिसको अर्थ, जिसको सैटेलाइट नॉर्थ से साउथ रिवॉल्व करता है, उसके चक्कर काटता है। और हॉरिजॉन्टल सैटेलाइट में अर्थ की रोटेशन, यानी अर्थ के जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, उसी साइड के ऑर्बिट्स को हम ऑर्बिट और अलग तरह के डिस्टेंस को हम ऑर्बिट्स कहते हैं, जहां पे हम सैटेलाइट्स को सेटल करते हैं। ओके, अब ऑर्बिट्स पे भी मैं कुछ एक हिंट दे देता हूं। जैसे कि सबसे क्लोज जो हमारा ऑर्बिट हो रहता है अर्थ के पास, वो है लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि हॉरिजॉन्टल ऑर्बिट का एक टाइप है। दूसरा है हमारे पास मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और तीसरा है हमारे पास जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ऑलराइट, तो इसी वजह से हम लोग ऑर्बिट्स पे अलग अलग एप्लीकेशन के सैटेलाइट्स को उनके एप्लीकेशन के अनुसार हम ऑर्बिट्स पे सेटल करते हैं। तो ये बात को जानना बहुत जरूरी है। मैं ऑर्बिट के ऊपर एक और सैटेलाइट बनाऊंगा, आप मुझे बताइएगा। तो नेक्स्ट, हम जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी तरक्की होती गई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती गई, हमने PSLV जैसे विमान बना लिए, और स्पेशली जो रॉकेट्स बना लिए जिनकी थ्रस्ट कैपेसिटी ASLV और SLV जैसे लॉन्च व्हीकल से काफी ज्यादा थी। इनकी थ्रस्ट कैपेसिटी जो हम देख सकते हैं, पेलोड अचानक से बहुत बढ़ गया है, 1860 किलोग्राम का पेलोड डाल सकते हैं हम इसपे। मतलब इसका मतलब सिंपल होता है कि कोई भी सैटेलाइट जिसका वेट 1860 किलोग्राम से कम हो, वो सैटेलाइट PSLV द्वारा भेजा जा सकता है, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए हो। ऑलराइट, और सेकंड, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डिस्टेंस भी जरूरी होगा। ये सैटेलाइट के एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से ऑर्बिट पे उस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। और अगर डिस्टेंस बहुत लंबा है और वेट इतना ही है, तो भी हम PSLV लॉन्च व्हीकल को यूज नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो अब जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक के लिए जो पेलोड कैपेसिटी है हमारी, वो कितनी है, 1860 किलोग्राम की। धीरे धीरे हमने PSLV से, हमारे पास काम नहीं हो रहे थे, हमारे पास काफी हैवी सैटेलाइट्स आने शुरू हो गए, बनने शुरू हो गए, तकनीकी विकास होने लगा, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास लॉन्च व्हीकल नहीं थे, इंडिया को बार बार अपने नेबर फ्रेंडली स्टेट या कंट्री के पास अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जाना पड़ता था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे पैसे भी उनको देने होते थे, जो एक लोड था हमारे स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो धीरे धीरे हमने GSLV जैसे मोर पावरफुल रॉकेट्स बनाने शुरू कर दिए। GSLV Mark 2, इसकी एक सीरीज है, GSLV Mark 1, GSLV Mark 2 एंड GSLV Mark 3। यहां मैंने GSLV Mark 1 शो नहीं किया है, क्योंकि इंडिया ने GSLV Mark 1 को यूज करना बंद कर दिया है, क्योंकि उसका एक सब्स्टिट्यूट है हमारे पास PSLV XL, PSLV QL, इस तरह के लॉन्च व्हीकल्स, जिनकी थ्रस्ट ऑलमोस्ट GSLV Mark 1 के आसपास रहती है, तो हमें बहुत ज्यादा Mark 1 की जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए हम आज के दिनों में 21st सेंचुरी में 2019 तक GSLV Mark 2, GSLV Mark 3 और PSLV XL QL जैसे विमान रॉकेट्स का यूज करते हैं, इन तीन रॉकेट्स का, ये आप याद रखिएगा, PSLV, GSLV Mark 2 एंड GSLV Mark 3। अब आपको जो भी लॉन्चेस दिखाई देंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन, APSC के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सभी लॉन्चेस इन्हीं तीन रॉकेट्स के इर्द गिर्द होंगे। आपको मैं एक क्लियर एग्जाम्पल देता रहूंगा, आप बने रहेंगे। अब नेक्स्ट मेरी स्लाइड जो है, वो आपको एक इंफॉर्मेशन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके APSC के लिए, 2018 इंपॉर्टेंट लॉन्चेस डन बाय इसरो। तो पहला जो हमारा इंडिया ने, इसरो ने लॉन्च किया था 2018 की जनवरी 12 को, उसका नाम था कार्टोसैट 2F। कार्टोसैट सैटेलाइट एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो हमारे अर्थ से 500 से 600 किलोमीटर के बीच में सेटल किया गया है, याद रखिएगा। और इस ऑर्बिट को कहते हैं हम लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। ओके,
अब ये जो कैरेटोसेट सैटेलाइट, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो इनका वर्ड भी आपको जान लेना चाहिए। रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमारे किसी भी बॉर्डर रीजन, अगर आप हमें कहीं पे मिनरल डिपोजिशन को सर्च करना है, कहीं का एनालिसिस करना है, इस तरह के यूजेस के लिए, एप्लीकेशन के लिए इस तरह के सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करते हैं। और हमारे पास एक इम्पोर्टेंट 2018 का है, कार्टोसेट 2F, आप इसको नोट बना के लिख सकते हैं, जो कि PSLV C40 से लॉन्च हुआ। प्रीलिम्स के लिए उसके लॉन्च व्हीकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 2017 में PSLV C37, 2017 में PSLV C37 ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था PSLV C37। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था कि इंडिया के इसरो के PSLV C37 लॉन्च व्हीकल ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया और उन्हें एक सक्सेसफुली एक ही टाइम पे सेटल किया उनके अलग अलग ऑर्बिट्स पे, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़े अचीवमेंट है इसरो की, जिसकी वजह से PSLV C37 बहुत फेमस हुआ था। बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस लॉन्च व्हीकल के बारे में पूछा था अपने प्रीलिम्स में और दो मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस में इन मेल्स। तो फ्रेंड्स, आप याद रखें, इसीलिए ये जरूरी है कि PSLV कौन सा है, ये आप जरूर ध्यान रखें। इसका जो वेट था वो 710 था। अब मैं आपको वेट क्यों बता रहा हूँ, देखिए, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी वेट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे वेट बताना पड़ रहा है क्योंकि आपको मैं एक चीज समझाऊंगा इससे, क्योंकि वेट के ऊपर मैंने आपको डिपेंड बताया था लास्ट टाइम अपने बस प्रीवियस स्लाइड में, कि वेट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि हम कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसका वेट 710 किलोग्राम से नीचे है और आप प्रीवियस सैटेलाइट में देख चुके हैं PSLV का 1860 किलोग्राम 1860 किलोग्राम इज अ पेलोड कैपेसिटी। मतलब हम कार्टोसैट जैसे सैटेलाइट को, इस सैटेलाइट को कभी भी हम GSLV या GSLV मार्क 3 के द्वारा नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारा उससे चीप रेट पे PSLV से काम हो जाता है। इसीलिए जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दे दिया, इसीलिए मैं आपको ये वेट का एग्जांपल दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लॉन्च हुआ था वो था GSAT-6A, जिसका वेट था 2066 किलोग्राम्स। ये 29 मार्च 2018 में लॉन्च किया और ये इम्पोर्टेंट है जो GSLV मार्क 2 के द्वारा हुआ, यानी GSAT-6A को लॉन्च किया गया GSLV मार्क 2 के द्वारा। अब GSAT देखिए क्या है, आप किसी भी सैटेलाइट को इजीली कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। GSAT आप कहीं भी देखें या सुने या पढ़ें, सीधा समझ जाइए कि वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पर्पस के लिए है, और कम्युनिकेशन पर्पस के सैटेलाइट सबसे ज्यादा किसी भी अदर एप्लीकेशन सैटेलाइट से ज्यादा भारी होते हैं। इसीलिए आप एक वेट देख सकते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का वेट सिर्फ 710 किलोग्राम था और कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या था, 2066 किलोग्राम। ये आप नोट बना लें अपनी कॉपी में, GSAT-6A किलोग्राम था किसका, 2066 किलोग्राम, जो 2018 में मार्च में लॉन्च हुआ GSLV मार्क 2। अब देखिए हमें GSLV मार्क 2 की जरूरत यहाँ क्यों पड़ी, मैं आपको दोबारा पिक्चर में ले जाता हूँ। GSLV मार्क 2 की हमें जरूरत पड़नी थी क्योंकि PSLV से उसको लॉन्च नहीं किया जा सकता था, जिसका मतलब है 1860 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी है और हमारा ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट काफी ज्यादा भारी है। अब जैसा कि ये इसके एग्जांपल पे हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मैंने आपको बताया इसका वेट 2066 किलोग्राम है, जिसका मतलब है हम GSLV मार्क 2 जैसे सैटेलाइट को यूज किया जा सकते, जिसमें आप देख सकते हैं 2200 किलोग्राम का उसका पेलोड कैपेसिटी है। 200-300 किलोग्राम ऊपर नीचे हो जाए तो इससे कोई इश्यू नहीं है, बट ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमने यूज किया इसके लिए GSAT-6A। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 2018 का सैटेलाइट था IRNSS-1I। फ्रेंड्स, IRNSS, इसका आप फुल फॉर्म नोट कर लें, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम,
जो कि 12 अप्रैल 2018 में लॉन्च हुआ, इसके द्वारा PSLV C-41 के द्वारा, और यहाँ पे मैंने ऑर्बिट को मेंशन किया है MEO. MEO means मिडिल अर्थ ऑर्बिट. ओके, मिडिल अर्थ ऑर्बिट. मिडिल अर्थ ऑर्बिट पे हमने इस नेविगेशन पर्पज सैटेलाइट को लॉन्च किया है. जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल दे दूं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रह चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में. जैसे कि हमने एक गगन सैटेलाइट लॉन्च किया था जो कि इंडिया का अपना नेविगेशन और GPS पर्पज सैटेलाइट था. उससे पहले तक इंडिया सिर्फ रेंट पे चलाता था अपने GPS सिस्टम को, कभी यूरोप से, कभी रशिया से, कभी यूएसए से, जिसके लिए हमें एंड ऑफ द ईयर काफी अमाउंट पे करना होता था उन्हें. अब गगन की वजह से हमारे पास अपना GPS आ चुका है, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा. तो IRNSS एक नेविगेशन पर्पज सैटेलाइट है जो किसी भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए या नेविगेट करने के लिए या डायरेक्शन दिखाने के लिए स्पेशली यूज किया जाता है. स्पेशली इसका यूज आर्मी, मिलिट्री पर्सनल, एयरफोर्स, ये सब जो भी डिफेंस सिस्टम है इंडिया के, वो सब यूज करते हैं. और जो कोई भी कार्गो शिप्स जो ट्रेड सेक्टर में काम आती हैं, उन सब का यूज इस पे बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट जो हमने लॉन्च किया था 1 नवंबर 2018 में, वो था GSAT-29. देखिए यहाँ पे भी GSAT है, यहाँ पे भी GSAT है. इसका मतलब है ये भी कम्युनिकेशन पर्पज सैटेलाइट है जिसका वेट काफी ज्यादा था, और इसे भी GSLV Mark 3 का. अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लियर नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको बोला GSLV Mark 2 फॉर GSAT-6A एंड GSAT-29 फॉर दैट वॉज लॉन्च बाय GSLV Mark 3. वट डू यू मीन बाय दैट? मीन्स इसका मतलब ये है, ऑब्वियसली GSAT-29 का वेट 2066 किलोग्राम से बहुत ज्यादा रहा होगा, जिसकी वजह से हमने GSLV Mark 2 का इस्तेमाल ना करते हुए GSLV Mark 3 का इस्तेमाल किया. और ये जो पर्पस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो जनरली जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट पे डाला जाता है, जो हमारे अर्थ सर्फेस से 35,000 हमारे नोट डाउन 35,000 किलोमीटर के बाद शुरू होता है. यानी ये कोई भी हमारे कम्युनिकेशन पर्पस सैटेलाइट्स 35,000 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करके उस ऑर्बिट में सेटल होते हैं. अब मैं इसको आपको बता दूं, एक कॉमन चीज यहां दिखा दूं कि हमने इस GSAT-6A को भी GEO में लॉन्च किया, सेटल किया, और GSAT-29 को भी GEO में सेटल किया. इसका कारण क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया कि कम्युनिकेशन पर्पस सैटेलाइट को कभी भी हम लो अर्थ ऑर्बिट या मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे नहीं रख सकते, इससे उनका पर्पस फुलफिल नहीं होता है. इसीलिए हम हमेशा ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन पर्पस सैटेलाइट किसी एक कंट्री का हमेशा उसी के ऊपर रहे, जो अचीव किया जा सकता है सिर्फ GEO यानी जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट के द्वारा. इसीलिए कम्युनिकेशन पर्पस के सैटेलाइट को हम GEO में सेटल करते हैं, हम LEO और MEO जैसे ऑर्बिटर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं. अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है, कोई भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का तभी सक्सेस हो पाता है जब वो 24 आवर्स उस कंट्री के ऊपर रहता है. अब क्योंकि हमारी धरती की रोटेटिंग स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर है, तो ये स्पीड को सिंक्रोनस कर पाना लो अर्थ ऑर्बिट में या मिडिल अर्थ ऑर्बिट में बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम लोग उस स्पीड को सिंक्रोनस करने के लिए GEO का इस्तेमाल करते हैं. यानी कम्युनिकेशन पर्पस सैटेलाइट्स दे सिंक्रोनाइज देयर स्पीड विद द रोटेटिंग स्पीड ऑफ अर्थ. ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना HISIS. HISIS means हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट. ओके, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, इसका पर्पस क्या है? हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट का पर्पस है सन से आने वाली
अलग अलग तरह की शॉर्ट वेव रेडिएशन को की इमेजिंग करना और उसकी इंफॉर्मेशन इसरो को डायरेक्ट पहुंचाना। ये बहुत ही स्पेशलाइज कैमरे होते हैं इसमें लगे हुए, जो स्पेशली अर्थ के उन रेडियो एक्टिव शॉर्ट वेव्स रेडिएशंस को इमेजिंग करेंगे और इसकी इंफॉर्मेशन इसरो को देंगे। अब ये लॉन्च हुआ था 29 नवंबर 2018, और इसका जो लॉन्च किया गया था वो उसका इस्तेमाल था PSLV C-43, यानी इसका किलोग्राम्स आप देख सकते हैं 380 किलोग्राम्स। सो वी डोंट हैव टू यूज GSLV Mark II और GSLV Mark III काइंड ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, एंड दैट्स व्हाई हियर वी बी यूज टू PSLV C-43। नाउ नेक्स्ट इज GSAT-11। GSAT-11 एक अगेन GSAT आया है, इसका मतलब ये भी कम्युनिकेशन पर्पस सैटेलाइट है, जिसका वेट 5854 किलोग्राम्स था। अब देखिए, इंडिया में हमारे पास, इंडिया के पास जो अभी तक की टेक्नोलॉजी है वो 4000 किलोग्राम से ज्यादा पेलोड नहीं ले जा सकता, स्पेशली फॉर जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट के लिए। पर जीसेट है, इसका मतलब उसे जीईओ ऑर्बिट में तो सेटल करना ही होगा, लेकिन इसका वेट 4000 से एक्स्ट्रा 1800 किलोग्राम ज्यादा है। इसका मतलब इंडिया में इस जीसेट 11 को लॉन्च नहीं किया जा सकता। सिंपल, हम इंडिया में जब भी लॉन्च करते हैं श्रीहरिकोटा से करते हैं, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर है राइट आंध्र प्रदेश में, तो ये सभी जो भी लॉन्चेस हुए हैं 2018 के, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सभी लॉन्चेस श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुए हैं। जीसेट 11 लेकिन हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंडिया की उतनी कैपेसिटी, लॉन्चिंग कैपेसिटी नहीं है। इसका मतलब हमने किसी और कंट्री से हेल्प ली, वो थी फ्रेंच गुएना। फ्रेंच गुएना फ्रेंड्स साउथ अमेरिका के ब्राजील के नॉर्थ ईस्ट नॉर्दर्न डायरेक्शन में, ये साउथ अमेरिका है ये समझ लें, और यहाँ पे ब्राजील है जो काफी बड़ा कंट्री है। इस लोकेशन में वेनेजुएला के, ये वेनेजुएला है, और ये जो कंट्री है इसे, इस कंट्री को कहते हैं फ्रेंच गुएना। फ्रेंच गुएना हमने, ये एक फ्रेंच प्रोविंस है, हमने फ्रेंच गुएना की मदद ली, और इनके पास हमसे ज्यादा लॉन्च थ्रस्ट कैपेसिटी है, और वो लॉन्च व्हीकल है उनके पास जो 13,000 किलोग्राम से भी ज्यादा का पेलोड कैपेसिटी कैरी कर सकता है। हमने उनसे मदद ली और हमारा जीसेट 11 लॉन्च हुआ, और ये नाम आपके लिए इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्यन 5। आर्यन 5 एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लॉन्च व्हीकल है फ्रेंच गुएना का। अब नेक्स्ट आते हैं जीसेट 7A। जीसेट 7A भी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए दिया गया है, जिसका वेट 2250 किलोग्राम है, और इसको लॉन्च किया गया था DSLV Mark II। अब देखिए फ्रेंड्स, आप कंपेयर करके, पोस्ट करके इस वीडियो को देखिएगा, आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी। GSLV Mark II यहाँ यूज हुआ है 2250 किलोग्राम के लिए। इट मींस हमें GSLV Mark III की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें GSLV Mark II से ही 2200 किलोग्राम्स कैरी करने की कैपेसिटी मिल जाती है, जिसका मतलब है हम इजीली इसको GSLV Mark II से लॉन्च कर सकते हैं। ये 19 दिसंबर 2018 में लॉन्च हुआ। ओके, आई होप इट इज क्लियर। यही सबसे ज्यादा 2018 के इंपॉर्टेंट लॉन्चेस थे, इनमें मैंने आपको बताया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्चेस थे, उन्हें प्लीज आप नोट डाउन करिएगा, अगर छूट गया है तो आप पोज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 2019 हमारे इस ईयर के इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स कौन कौन से लॉन्च हुए उनके बारे में थोड़े से जानकारी ले लेते हैं। फर्स्ट है MicroSat-R। ये एक माइक्रो सैटेलाइट है जो स्पेशली अर्थ साइंस के लिए है, और इसका वेट था 741.2 किलोग्राम। मींस वी स्टिल डू नॉट रिक्वायर GSLV टू लॉन्च, वी यूज PSLV C-44। प्लीज काइंडली रिमेंबर द नेम। और नेक्स्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है कलाम सेट।
कलाम सेट के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। 24 जनवरी 2019 को ये लॉन्च हुआ और इसको भी सेम ही पीएसएलवी लेके गया था, मतलब पीएसएलवी C-44 इन दोनों इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स को एक साथ कैरी करके लेके गया था। कलाम सेट एक स्टूडेंट सैटेलाइट है, रिमेंबर स्टूडेंट सैटेलाइट। ये स्टूडेंट सैटेलाइट स्टूडेंट्स के मानसिक विकास, उनको टेक्नोलॉजी के लिए अपग्रेडेड करने के लिए, उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए हमने इस लॉन्च को किया। और कलाम सेट एक दुनिया का और इसरो का पहला स्टूडेंट सैटेलाइट है जो इसरो ने लॉन्च किया है इंडिया में। ऑलराइट, तो इतने इंफॉर्मेशन कलाम सेट के लिए आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट जी सेट 31, ये भी काफी भारी कम्युनिकेशन पर्पज सैटेलाइट था। ऑब्वियसली अब जी सेट 31 है 2536 किलोग्राम, लेकिन हमने इसको Ariane 5 से क्यों लॉन्च किया? आप कहेंगे कि GSLV हमारे पास GSLV Mark 3 तो था, लेकिन इंडिया ने Ariane 5 का इस्तेमाल क्यों किया या फ्रेंच गुयाना से हेल्प क्यों ली इसे लॉन्च करने के लिए? तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, कभी कभी हमारे सैटेलाइट इंट्रोडक्शन के साथ हो सकता है कि हमारा कैपिटल फंड उसको मैच ना करता हो या हमें लॉन्च करना ज्यादा नुकसानदायक हो। तो हम जब अपने सैटेलाइट को किसी कंट्री से कहते हैं कि हमारा लॉन्च कर दें, तो उस पर हम बजट कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि GSLV Mark 3 का बजट लॉन्च करने का हमें अपने इस GSAT-31 को लॉन्च करने के, आर्यन से लॉन्च करने के बजट से ज्यादा हो, इसीलिए भी हम किसी दूसरी कंट्री की हेल्प ले सकते हैं। इकोनॉमिकल बेनिफिट्स देखा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट अप्रैल में हुआ 2019 में, वो था MESAT। ये सब याद रखिएगा। और PSLV से रिलेटेड ये C-45, C-44, C-43, C-41 और C-40, इतने ही सैटेलाइट्स जो PSLV के थे, लॉन्च व्हीकल थे, 2018 से 2019 तक लॉन्च हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है कुछ इंपॉर्टेंट। अब इसरो के नेक्स्ट अपकमिंग मिशन क्या क्या है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, अब देखते रहिए। नेक्स्ट है 2019 से आने वाले इंपॉर्टेंट इसरो के मिशन, जिसमें पहला नाम आना चाहिए चंद्रयान 2 का। अब चंद्रयान ऑलरेडी हमने पहले भी भेजा था, लेकिन चंद्रयान अब इंडिया दोबारा भेज रहा है, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि ये उस मिशन से डिफरेंट क्यों है या हमने एक ही जैसा नाम क्यों रख दिया। ये चंद्रयान की पिक्चर मैंने आपको यहाँ दिखाई है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, और चंद्रयान 2 किस तरह चंद्रयान से डिफरेंट है इस चीज के बारे में भी थोड़ा सी बात करेंगे। चंद्रयान 1 फ्रेंड्स एक सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन का मैं मतलब आपको समझा देता हूं। ऑर्बिटर मिशन का मतलब होता है कि हमें उस सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट मून या किसी भी दूसरे प्लेनेट में लैंड नहीं करना है, कोई रोवर या फिर रिसर्च नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उस सैटेलाइट या मून के या प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमना है और उसके एटमॉस्फेरिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और वो सैटेलाइट उस इंफॉर्मेशन को सीधा स्पेस सेंटर भेज देता है। इस तरह के मिशंस को हम ऑर्बिटर मिशंस कहते हैं, जिसमें कोई भी मशीन या सैटेलाइट लैंड पे लैंड नहीं करता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटर मिशन। अब ये था हमारा चंद्रयान 1 का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा चंद्रयान 2 आ रहा है, जो कि 2019 में लॉन्च करने की बात है कही गई है, ये चंद्रयान 1 से डिफरेंट कैसे है? ये चंद्रयान 2 एक फर्दर अपग्रेडेड मिशन है, जो कि ऑर्बिटर है, लैंडर है एंड रोवर है। ऑर्बिटर मिशन भी है, लैंडर मिशन भी है एंड रोवर मिशन भी है। मैंने आपको ऑर्बिटर मिशन के बारे में जानकारी दे दी कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करना, और लैंडर मिशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऑर्बिटर मतलब है किसी भी उस सैटेलाइट के ऑर्बिट पे चक्कर लगाना, और लैंडर का मतलब है वहां से फिर उस सैटेलाइट या फिर उस मून के सरफेस पे लैंड करना, और रोवर का कहना मतलब है कि उस लैंड या सरफेस पे उसके मटेरियल्स की जानकारी लेना, अलग अलग जगहों पे
ट्रेवल करना और वहां से मटेरियल्स और स्पेसिमेंट्स की इंफॉर्मेशन लेना, उसे हम कहते हैं रोवर मिशन। तो आई होप यू गाइस आर हैव अंडरस्टूड ऑर्बिटर लैंडर एंड रोवर मिशन। इसे लॉन्च किया जाएगा GSLV Mark III। ऑब्वियसली ये बहुत भारी सैटेलाइट होगा तो हमें GSLV Mark III का यूज करना होगा, एंड ऑब्वियसली ये भी 4000 किलोग्राम से नीचे का मिशन होगा, इसीलिए हम GSLV Mark III का यूज कर रहे हैं। तो ये है 2000 नेक्स्ट अपकमिंग इंपॉर्टेंट मिशन। नेक्स्ट हमारे पास मिशन है गगनयान, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आज यूएसए जैसी कंट्रीज जो ऑलरेडी स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स भेज चुकी है, वहां इंडिया के पास इस तरह की कोई भी स्पेस क्राफ्ट या स्पेस व्हीकल नहीं है जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठे और जा सकें स्पेस में और खोज कर सकें। इसीलिए इंडिया का अब एक और इम्पोर्टेंट अपकमिंग मिशन है जिसका नाम है गगनयान, जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए होगा, इंडिया के अपने एस्ट्रोनॉट्स जो इंडिया से लॉन्च करके स्पेस में जाएंगे। तो इस मिशन को पूरा किया जाने की जो डेट बताई गई है, ईयर बताया गया है, वो 2021 तक रेडी हो जाएगा। ये इसरो की डेडलाइन है। और गगनयान का मतलब सिर्फ इतना है, ये उनके लिए है कि इंडिया से एस्ट्रोनॉट्स लॉन्च हो सकें, इंडिया से एस्ट्रोनॉट्स जा सकें, और उसी स्पेसक्राफ्ट का नाम दिया गया है गगनयान। इसरो ने ऑलरेडी इसके लिए टास्क फोर्स सेटल कर चुकी है और पहले जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे इस गगनयान के थ्रू वो एयरफोर्स के मेंबर्स होंगे और क्रू मेंबर्स होंगे। ऑलराइट, तो इतना इंफॉर्मेशन गगनयान के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट और काफी है। नेक्स्ट अपकमिंग बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मैं आपको इससे रिलेटेड मिशन भी बताऊंगा क्या है ये। नेक्स्ट अपकमिंग इंडिया का जो मिशन है वो है आदित्य L1। आदित्य L1 सुनने में बहुत मजेदार नेम है, लेकिन ये हमारा एक सोलर मिशन है जो इंडिया का पहला है। इससे पहले इंडिया ने कभी भी सोलर मिशन लॉन्च नहीं किए हैं। ये हमारा लॉन्च हो सकता है 2019 से 20 तक। और आदित्य L1 सोलर मिशन, जैसा कि मैंने कहा, इससे पहले जस्ट 2018 के बिगिनिंग में इस नासा ने अपना एक सोलर मिशन भेजा जिसे हम जानते हैं, वो आपके करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नासा का जो स्पेस मिशन था उसे सोलर मिशन था, उसे कहते हैं सोलर पार्कर मिशन। इस मिशन का मतलब है, इस मिशन का काम है कि सन की सरफेस पे होने वाले चेन रिएक्शंस, सोलर रेडिएशंस, सोलर फ्लेयर्स के बारे में और पुख्ता और इम्पोर्टेंट जानकारी हासिल करना। ये नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, सोलर पार्कर, जो एक सोलर मिशन था जो नासा ने 2018 में लॉन्च किया था। अब 2019 एंड 20 में इंडिया भी इसी तरह का एक मिशन लॉन्च करना चाह रहा है, आदित्य L1। ठीक है, अब नेक्स्ट मिशन के बारे में देखते हैं। आदित्य L1 तक नेक्स्ट मिशन के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, वो अभी तक श्योर डेट के साथ नहीं है, सो इससे ज्यादा आप लोगों को जानना नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक नाम बता देता हूँ, सेमी क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट एक और मिशन है। इसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स के साथ आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। अब ये क्रायोजेनिक, आपने नाम सुना है तो आपको जरूर ध्यान में आना चाहिए, क्रायोजेनिक के ऊपर कम से कम 2 से 3 बार APSC मेंस रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछ चुका है, 2 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में क्रायोजेनिक। तो ये वीडियो को देखना ना भूलिएगा, ये नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है क्रायोजेनिक के ऊपर और कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसी के साथ मैं अपना स्लाइड्स फिनिश करता हूं। आई होप यू गाइस विल बी पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय द वीडियो एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। थैंक यू।